Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Good morning and welcome to yet another episode of Tech Stuff. और गाइस वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का भी टेक स्टफ होने वाला है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज लेके मैं आप लोगों के पास यहाँ पे आ चुका हूँ। चाय का कप आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया होगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइक्रोमैक्स का ये जो नोट वन स्मार्टफोन है, इन नोट वन स्मार्टफोन, इसका बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। दिस इज व्हाट द बॉक्स लुक्स लाइक। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। सो इफ इन केस आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया, आप अभी नीचे वाला बटन दबा सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट फिर से हम लेके चलते हैं 2500 का। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ। यार सैमसंग अभी वैसे बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च करता जा रहा है और सैमसंग आई बिलीव आजकल ना अपडेट्स वगैरह भी फ्रीक्वेंटली रोल आउट कर रहा है। सैमसंग गैलेक्सी A50s स्मार्टफोन में अभी हाल फिलहाल एक नया अपडेट आया जिसमें आपको नवंबर का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा। इसके बारे में मैंने आपको वैसे कुछ टाइम पहले एक टेक्स्ट अप में बताया था। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 और सैमसंग गैलेक्सी S6 स्मार्टफोन्स जो कि 5 साल पहले लॉन्च हुए थे, उनमें भी अगर 2020 में एक नया अपडेट जाए तो हाउ वुड यू रिएक्ट टू दैट। अब जैसा मर्जी आप रिएक्ट कर लो, बट इन दोनों स्मार्टफोन्स में एक नया अपडेट रोल आउट होना शुरू हो चुका है। सैडली अभी भी एंड्रॉइड 7 पे ही ये दोनों स्मार्टफोन्स काम करेंगे और सिक्योरिटी पैच वगैरह ज्यादा यहां पे चेंजेस वगैरह नहीं आए, चेंज लॉग वगैरह कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बट आई बिलीव कोई बग वगैरह, कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह चल रही थी इन दोनों स्मार्टफोन्स में, जिनके चलते सैमसंग वॉज फोर्स्ड टू पुश अ न्यू अपडेट टू इट्स सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 एंड सैमसंग गैलेक्सी S6 स्मार्टफोन्स इन 2020। अब ये इंटरेस्टिंग है, फनी है, जो भी है, जैसा भी है, 5 साल बाद अगर किसी स्मार्टफोन में एक एंड्रॉइड अपडेट आए, इट इज वर्थ यू नो मेंशनिंग और कूडोज टू सैमसंग फॉर पुलिंग दिस वन ऑफ। आगे बढ़ते हैं जियो फोन की तरफ। एंड जियो फोन अगर आप खरीदने की सोच रहे थे तो आपके लिए थोड़ी सी बुरी न्यूज है। जियो फोन की प्राइसिंग इंडिया में थोड़ी सी बढ़ चुकी है। जियो फोन पहले 699 रुपीस का मिलता था, बट 91 मोबाइल्स ने एक नई एक्सक्लूसिव लीक करके हमें बताया कि जियो फोन की इंडियन प्राइसिंग अब 999 रुपीस होने वाली है। 300 रुपीस ही यहाँ पे 300 रुपीस ही प्राइसिंग बढ़ी है। बट अगर आप कंसिडर करो कि इसका बेस प्राइस क्या था, 300 रुपीस अ सिग्निफिकेंट चंक। और यहाँ पे 125 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज जो पैक होगा उसके साथ ये फोन जो है बंडल होके आएगा। सो इफेक्टिव प्राइस जियो फोन का अब इंडिया में होने वाला है 1124 रुपीज। इफ इन केस यू आर प्लानिंग ऑन गोइंग फॉर द जियो फोन, अब आपको थोड़ा सा यहां पे इंडिया में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। ये तो है वैसे इसकी प्राइसिंग के बारे में बात। बट आज की वीडियो का पोल भी आप लोगों के लिए यही है कि यार आजकल हम मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज स्मार्टफोन्स। ऑफ कोर्स आप भी आई एम प्रीटी श्योर ये वीडियो स्मार्टफोन पे ही देख रहे होगे, किसी या लैपटॉप वगैरह पे देख रहे होगे। बट कितने लोगों के घर पे अभी भी कोई ना कोई फीचर फोन अवेलेबल है, आप हमें कम्युनिटी सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मेरे पास एक दो फीचर फोन पड़े हुए हैं और अगर आप अभी भी एक फीचर फोन को यूज कर रहे हो या आपने उसको एक एंटीक पीस की तरह घर में सजा के रखा है, जो भी है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें पक्का से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अमेज़फिट की तरफ। एंड यार अमेज़फिट की बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस हमें देखने को मिलती रही हैं और बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस ऑलरेडी सर्टिफाई वगैरह होनी शुरू हो चुकी हैं। इसके बारे में आपको हमेशा बताता आ रहा हूं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ सोने वाले ईयरफोन्स, मतलब गोल्ड वाले नहीं, स्लीपिंग ईयरबड्स भी जल्दी ही आने वाले हैं अमेज़फिट के। और उसके अलावा एक ट्रेडमिल भी लॉन्च होने वाली है। अब अमेज़फिट का जो सब ब्रांड है ना ज़ेप, मैंने आपको बताया था कि अमेज़फिट की जो ऐप है वो उसका नाम चेंज करके अमेज़फिट ने ज़ेप कर दिया है। और मैंने ये भी कहा था कि ज़ेप ब्रांडिंग के अंडर भी हमें बहुत सारी घड़ियां देखने को मिलने वाली है। अब ZEP Z स्मार्ट वॉच ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है, ये घड़ी इंडिया में भी जल्दी ही आने वाली है। Amazon Alexa का इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करें तो ZEP Z जो स्मार्ट वॉच है उसकी प्राइसिंग ग्लोबली रखी गई है $349। सो अच्छी खासी प्रीमियम घड़ी है और इंडिया में भी हमें ये घड़ी जल्दी ही देखने को मिलने वाली है। कैसी दिखती है ये स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं। और गाइस स्मार्ट वॉचेस की बात करें तो मैं बात करना चाहूंगा टाइमेक्स की। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि टाइमेक्स का एक फिटनेस ट्रैकर इंडिया में लॉन्च हुआ था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने टाइमेक्स की बात, टाइमेक्स का मेंशन टेक्स्ट अप में किया था। आज दूसरी बार यहां पे टाइमेक्स जो है न्यूज में आ चुका है, बिकॉज टाइमेक्स ने एक नई स्मार्ट वॉच इंडिया में लॉन्च की है। इसका नाम है टाइमेक्स प्रीमियम। नाम में ही प्रीमियम रख दिया कंपनी ने खुद ही, वाह यहां पे कमाल हो गया। टाइमेक्स प्रीमियम एक्टिव आई कनेक्ट स्मार्ट वॉच इसका नाम है। 5 दिन की बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम कर रही है। अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग कलर्स में ये घड़ी लॉन्च हुई है इंडिया में। इसकी प्राइसिंग रखी गई है 6995 रुपीज, 7000 रुपए से 5 रुपए कम। अब इस 5 रुपए का आपने क्या करना है वो आप जाने। बट अगर आपको ये घड़ी अच्छी लग रही है इंडिया में, अब आप इस टाइमेक्स प्रीमियम एक्टिव आई कनेक्ट स्मार्ट वॉच को खरीद सकते हैं। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल हमने आपसे पूछा था कि यार डू यू एक्चुअली थिंक पोको M3 स्मार्टफोन जो लॉन्च होने वाला है 24th को, इट विल परफॉर्म वेल इन द मार्केट और विल इट सक्सीड इन द मार्केट। 79% लोग कह रहे हैं नो,
इट वॉन्ट सक्सीड इन द मार्केट, और 21% लोग कह रहे हैं येस इट विल। मे बी 21% जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि पोको M3 हो सकता है अच्छी प्राइस पे आए, सो एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो तो हो सकता है परफॉर्म कर जाए। बट 79% लोग कह रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662, आर यू किडिंग मी। अब देखते हैं पोको आगे क्या करता है, 2021 में क्या करता है, बट अभी के लिए पोको M3 स्मार्टफोन के बारे में 79% लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ती है गूगल की तरफ, एंड गूगल जल्दी ही एक नई क्रोमबुक लॉन्च करने वाला है। इसका नाम है गूगल जॉर्क क्रोमबुक। ये अप्रैल में आई बिलीव गीकबेंच डेटाबेस वेबसाइट पे हम लोगों ने स्पॉट की थी, फाइंड आउट की थी, और आई डोंट रिमेम्बर मेरे वैसे अप्रैल में किसी टेक्स्ट में इसके बारे में बात की थी कि नहीं की थी, बट अब ये जो क्रोमबुक है जल्दी ही लॉन्च होने वाली, बिकॉज गूगल प्ले कंसोल लिस्टिंग पे ये गूगल जॉर्क क्रोमबुक जो है लिस्ट हो चुकी है। यहां पे आपको AMD Ryzen 3 3250C CPU देखने को मिलेगा, 4GB RAM होगी, फुल HD यहां पे पैनल है, और Radeon Vega 3 GPU आपको यहां पे देखने को मिलने वाला है। गूगल की ये क्रोमबुक कैसी दिखेगी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सोनी की तरफ। यार सोनी बहुत सारे स्मार्टफोन्स को आजकल लॉन्च नहीं कर रहा, और इंडिया में खासकर सोनी के स्मार्टफोन्स ना तो लॉन्च हो रहे हैं, और अगर लॉन्च होते भी हैं भूले बिसरे कोई स्मार्टफोन्स तो उनकी मार्केट में इतनी सेल वगैरह नहीं हो रही। बट ये सोनी अब लग रहा है कि वापस से मिड रेंज मार्केट में अपना कमबैक करने के लिए प्लानिंग अच्छी खासी कर रहा है, बिकॉज सोनी जल्द ही एक नया 5G मिड रेंज स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा सोनी एक्सपीरिया 10 3। ये जो स्मार्टफोन होगा इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 5G ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। ये अभी ग्लोबली लॉन्च होगा, बट आपको एक इंटरनल न्यूज़ में देना चाहूंगा, सोनी के कुछ स्मार्टफोन्स, कुछ मिड रेंज स्मार्टफोन्स इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च होने वाले। इनका नाम क्या होगा, स्पेसिफिकेशंस क्या होगी, ये सारी चीजें मैं आपको फ्यूचर में बता ही दूंगा। आगे बढ़ते हैं लावा की तरफ। लावा के बारे में आपको बताया था कि यार इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लावा के 4-5 स्मार्टफोन्स ऑलरेडी सर्टिफाई हो चुके हैं। अब गीकबेंच डेटाबेस पे लावा का एक नया स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है, इसका नाम अभी कंफर्म नहीं है, बट जो मदरबोर्ड है उसका नाम है बेंगलोर। अब बंगाल करके भी एक मदरबोर्ड है, यहां पे बेंगलोर करके मदरबोर्ड आ चुका है, लावा बेंगलोर गीकबेंच पे टॉप पे लिखा गया, इसका नाम ये लावा बेंगलोर नहीं होगा, इसका मदरबोर्ड जो है दैट इज बेंगलोर, एंड इन ऑल लाइक्लीहुड मीडियाटेक हीलियो G35 या P35 आपको यहां पे प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 169 है सिंगल कोर स्कोर, 922 है मल्टी कोर स्कोर, एंड्रॉइड 10 पे स्मार्टफोन रन करने वाला, और साथ में आपको 4GB रैम देखने को मिलने वाली है लावा के इस अपकमिंग स्मार्टफोन में। गीकबेंच स्कोर वैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ, है Xiaomi के Mi 11 स्मार्टफोन्स के बारे में बहुत सारे लीक निकल के आते जा रहे हैं, और मैं आपको वैसे ऑलरेडी बता चुका हूं कि Mi 11 Pro स्मार्टफोन में आपको OLED पैनल देखने को मिलेगा हायर रिफ्रेश रेट के साथ, और मैंने आपको यह भी कहा था कि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको यहां पे पिक्सल बिनिंग के साथ देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। अब एक नई रिपोर्ट निकल के आई है जो कह रही है कि Xiaomi का जो Mi 11 स्मार्टफोन होगा उसमें आपको MEMC सपोर्ट देखने को मिलेगी, और रियल टाइम SDR टू HDR का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। और एक और चीज यहां पे यह है कि जो Oppo Find X2 सीरीज सुपर रेजोल्यूशन था वो फीचर भी आपको यहां पे Mi 11 स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। सो अगर आपको Oppo Find X2 सीरीज के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता दूं, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले स्मार्टफोन्स ऑफ 2020। सो Mi 11 स्मार्टफोन में सिमिलर और सेम टेक्नोलॉजी यूज की जाने वाली है। सो यस, Mi 11 स्मार्टफोन सीरीज भी यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज देखने को लग रही है। गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे जो सब्सक्रिप्शन वाला बटन है उसको भी आप दबा सकते हैं, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा सकते हैं, सो दैट मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं आपके डिवाइस पे टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो खत्म करते हैं Xiaomi, पोको और रियलमी के साथ। सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, चलो रियलमी से स्टार्ट करते हैं। रियलमी 7 5G स्मार्टफोन जो कि रियलमी V5 स्मार्टफोन का एक रीब्रांडेड वेरिएंट हो सकता है, और ग्लोबली वैसे जल्दी ही लॉन्च होने वाला है स्मार्टफोन, बट अभी के लिए एशियन मार्केट्स में रियलमी 7 5G स्मार्टफोन लॉन्च होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अभी के लिए मलेशिया पे में Realme का 7 5G स्मार्टफोन सर्टिफाई हो चुका है, सिरिम सर्टिफिकेशन वेबसाइट जो होती है ना वहां पे Realme 7 5G स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है। दैट मींस एशियन कंट्रीज में भी हमें Realme 7 5G स्मार्टफोन जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। इंडिया में इसकी लॉन्च को टाइम लग सकता है, बट यस कभी ना कभी हमें Realme 7 5G स्मार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं पोको के साथ। पोको के आजकल दिन चल रहे हैं और पोको M3 स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। पोको M3 स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपको बता दिया, वैसे स्पेसिफिकेशंस वगैरह फिर से ऊपर कार्ड में पोको M3 स्मार्टफोन की जो एक्सक्लूसिव लीक वाली वीडियो थी उसका मैं लिंक लगा दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा। बहरहाल पोको M3 स्मार्टफोन अभी तो ग्लोबली लॉन्च होगा, बट सिरिम सर्टिफिकेशन जो कि मलेशिया की है जहां Realme 7 5G स्मार्टफोन भी लिस्ट हो चुका है वहां पे पोको M3 स्मार्टफोन भी लिस्ट हो चुका है। दैट मींस पोको M3 एशियन मार्केट
मार्केट्स में भी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। अब 2020 में इंडिया में तो नहीं आएगा पोको M3, बट यस वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि एशियन मार्केट्स में बाकी की मार्केट्स में आ रहा है, तो हमें इंडिया में भी हो सकता है 2021 में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाए। पाकिस्तान में वैसे पोको M3 स्मार्टफोन ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं, खत्म होने वाली है, बट पोको का एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पोको M3 तो आ रहा है, बट आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि पोको के 3 और स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं, ऐसा मेरे सोर्स से मेरे को पता चला है। और पोको के जो अपकमिंग 3 स्मार्टफोन्स होंगे, उनमें से 2 स्मार्टफोन सुनने में आ रहा है कि एंट्री लेवल स्मार्टफोन होंगे। एंट्री लेवल से मेरा मतलब है जैसे ये पोको M3 स्मार्टफोन है 10-15-20 की रेंज में, और एक स्मार्टफोन होगा वो अपर मिड रेंज स्मार्टफोन होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी के लिए इनके नाम क्या है ये कंफर्मेशन नहीं है, बट यस यू कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि पोको के ये 3 स्मार्टफोन हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट स्टफ में फीचर करता रहूं। और गाइस वीडियो खत्म करते हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं स्टफ दैट वी ऑल शुड नो। और गेमर जोन ने यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों को प्रोवाइड किया, वो कह रहे हैं द फर्स्ट यूट्यूब वीडियो टू रिसीव ओवर 1 बिलियन व्यूज वॉज गैंगनम स्टाइल। वो चलो मैं करके तो नहीं दिखा सकता, बट दिस इज सम इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वी ऑल शुड नो। सो गाइस ये थी सुबह की टेक स्टफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन शाम को 5:50 पे फिर से आएगा, बिकॉज शाम को 5:50 पे दिन की दूसरी टेक स्टफ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस।